दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज सेवो में मीटिंग हुई थी, कल हमारा मंडावा में शानदार प्रोटेस्ट था, उसके बाद सरकार के कुछ एमएलए पूछे, कुछ पूर्व मंत्री पूछे, उसके बाद हमारी आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, अधिकारी से मुलाकात हो पाई। लेकिन मैं पूरे दिन भर से इसलिए वीडियो नहीं डाला था कि कल 11 तारीख को सांसद श्री किरोड़ी लाल जी मीणा जी की रैली है, क्योंकि मैं सुबह कोई कुछ मांगों पर जो सहमति पॉजिटिव थी, कुछ पे नेगेटिव थी। सुबह जैसे मैं वीडियो डालता वार्ता के बाद, तो ऐसा कई लोगों को लगता कहने की जो रैली है उसको रोकने के लिए उपेन वीडियो डाल रहा है, पोस्ट डाला। नहीं, जब सांसद साहब हमारी मांगों को उठा रहे तो धन्यवाद है उनको, कम से कम बेरोजगारों की कोई आवाज तो उठा रहा है। और मैं यही आशा करूंगा कि हमेशा, आज कल ही नहीं, हमेशा सांसद साहब बेरोजगारों की आवाज उठाए, ऐसे ही वो हर महीने में सभा करे, हर महीने में आवाज उठाए, जिससे बेरोजगारों की आवाज बुलंद हो। दोस्तों लगातार हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष जारी है। एक तारीख को हमने अच्छी संख्या में जयपुर में इकट्ठे हुए, 8 दिन की चेतावनी दी, और 8 दिन की चेतावनी के बाद हमने दिल्ली के बजाय मंडावा में कूच किया, और मंडावा में कूच करने का, मंडावा में एक छोटा सा गांव 33 गांव है, और बहुत अधिक संख्या में लोग पूछे, सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों ने देखा होगा। इतने लोग तो एमएलए और मंत्री भी इकट्ठा नहीं कर पाते, क्योंकि सब लोग अपने अपने साधन से वहां पहुंचे थे, लेकिन बड़ी अच्छी संख्या में पहुंचे, और वहां हमने मजबूती से अपनी बात रखी। वहां की प्रत्याशी रीटा चौधरी जी भी हमारे बीच में ही, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजकुमार चौधरी जी, और श्रवण कुमार जो झुंझुनू के रहने वाले हैं, अच्छे दबंग नेता, तीनों हमारे मंच पे पहुंचे, क्योंकि उनको पता कि बड़ी संख्या में बेरोजगार आए तो कहने के इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व मंत्री एमएलए ने अपनी बात रखी, लेकिन रीटा चौधरी जी ने यह कहा कि 2 दिन में मैं आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से कराऊंगी, यदि मुलाकात नहीं हो पाती है तो मैं खुद आपके लिए धरने पे बैठ जाऊंगी। ये आप सबने ये चीज आपने फेसबुक, जब मैंने लाइव हर चीज लाइव किया था फेसबुक पे, मेरी आईडी पे आपने देखना, रीटा चौधरी जी कितने सभ्य भाषा से बात करी थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि आपकी वार्ता मुख्यमंत्री जी से नहीं होती तो मैं आपके साथ धरने पे बैठ जाऊंगी। 1 दिन बीत चुका है, कल हम इंतजार कर रहे हैं, यदि फिर भी कल हमारी वार्ता नहीं होती है तो परसों हम लोग वापस सभी लोग मैंने एक बात कही थी कि अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित आंकड़े, मैंने जो भी भर्तियों संबंधित आंकड़े लेकर मीटिंग हुई, उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, यानी कि कहीं ना कहीं वो गंभीर थे, वो अधिकारियों को बुलाया, सीएम ने हमें बुलाया, उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। हालांकि मीटिंग के दौरान उन्होंने पूछा कि आप तो दिल्ली कूच करने वाले थे, अचानक कैसे गए, आपने बताया नहीं, क्योंकि लगातार हम आपसे वार्ता कर रहे थे, आपकी बात ही मान रहे थे, लेकिन आपको बताना चाहिए था, क्योंकि हम आपकी पैर भी कर रहे थे, हमें लगा कि आप नहीं जाओगे, लेकिन मैंने कहा कि हमारा कोई परिणाम नहीं निकला, मजबूरी थी, और अभी भी परिणाम नहीं निकलेगा तो फिर मजबूरी होगी वापस मंडावा कूच करने की। तो सभी बिंदु जो 15 सूत्र मांगे थे उन पर हमारी चर्चा हुई। दोस्तों जो चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, कुछ मांगों पे सहमति हुई, यानी कि कुछ मांग वो थी कि पंचायत जो एलडीसी भर्ती 2018 अधीनस्थ बोर्ड की, बोले इस महीने में परिणाम जारी कर देंगे। इसके अलावा पशुधन सहायक भर्ती के लिए कहा कि इस महीने में परिणाम जारी कर देंगे। इसके अलावा पीटीआई भर्ती के लिए कहा कि हमने अब यहाँ जो फोरम थे वो हमने बीकानेर पूछा दिया है और जल्दी ही उनके आदेश हो जाएंगे। और आचार संहिता के दौरान कोई भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति प्रक्रिया अटकती है तो हम जरूर कॉल करके जो चुनाव आयोग में आपकी पूरी सहायता करेंगे। इसके अलावा जो कर्षित प्रेक्षक प्रयोगशाला सहायक और महिला सुपरवाइजर के लिए उन्होंने कोटका वाले दिया, हालांकि इसके महिला सुपरवाइजर पे बोले कि इसी की वजह से ये दोनों भर्तियों का परिणाम कुछ समय के लिए रुकेगा, लेकिन हमने उनको आइडिया बताया कि वो तो नियुक्ति प्रक्रिया पे इसलिए है, दोनों भर्तियों पर नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बार फिर हम बोर्ड से विचार करेंगे इस पर, उन्होंने कहा कि एक बार हमें थोड़ा सा समय, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप वेट करो, क्योंकि दोबारा फिर हमारी वार्ता होगी, क्योंकि वार्ता का दौर जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसमें कई तमाम मांगों को लेकर हमने चर्चा की थी। दोस्तों एक चीज और बता दूं, पूरा प्रयास कर रहे, मंडावा जाना होता तो शाम को निकल जाते, एक दिन पहले मंडावा पहुंच जाते, कहीं भी जाना होता लगातार आपके लिए पूरा, जितना मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, जितना मैं प्रयास कर रहा हूं कोई नहीं कर पाएगा। फिर भी आप किसी को दोष दो, आपकी मर्जी है, मैं
मुझे ये पता नहीं कि मैं खाना समय पे खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, सो भी पूरा रहा हूँ, नहीं रहा हूँ, लगातार प्रयास कर हर अपडेट आपको चैनल बन के दे रहा हूँ। अपडेट क्यों दे रहा हूँ कि कम से कम आपको हर अपडेट का पता रहे, आपको नींद आ सके, आपको पता चल सके आपके क्यों, क्योंकि काफी लोग यूट्यूब चैनल पे मेरे नाम से फर्जी पोस्ट डाल रहे हैं, कभी हेडिंग क्या देते, बिग ब्रेकिंग न्यूज कुछ खबरी, जबकि अंदर कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आप सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं आता फिर उसका मास्क सर्च करो, उसको सब्सक्राइब करो, उसमें जुड़ो, क्योंकि वहां गलत खबर मिलती है। तो दोस्तों आज जो मीटिंग हुई, हालांकि मीटिंग में मैंने स्पष्ट कह दिया इस मीटिंग से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो सकारात्मक परिणाम हमें चाहिए था, तीन भर्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि इसका परिणाम इसी में नहीं जाएगा, इसकी नीति पर क्या आदेश हो जाएंगे, क्योंकि तमाम और भर्तियां अटकी पड़ी है और बेरोजगार परेशान है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, अधीनस्थ बोर्ड को लेकर, जो भर्तियों को लेकर आज चेयरमैन साहब आए थे, इसके अलावा आरपीएससी के लिए कहा कि आज अधीनस्थ बोर्ड की थी, जल्दी आरपीएससी सचिव से हमारी मीटिंग होगी और आप जो पूरी जो आरपीएससी की भर्तियों की डिटेल दीजिए, आज मैं आरपीएससी की भर्तियों की डिटेल उनको देके आया हूं, जल्दी उनकी पहले उनकी मीटिंग होगी फिर हमें बुलाएंगे। लेकिन मीटिंग होती रहेगी, उसका परिणाम आना चाहिए, उसका परिणाम आना चाहिए। हालांकि एक चीज बता दूं आपको कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो दारू पी के मुझे धमकी देने लग जाते हैं, हालांकि मैं किसी की बात से नहीं डरता, मरवा दीजिए, गोली निकलवा दीजिए, डरने वाला नहीं हूं मैं, तो हमेशा हथेली पे जान लेके चलने वाला इंसान हूं, मैं मरने से डरने वाला नहीं। फिर भी दारू पी के गाली गलौज करते हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं कि अब की बार पूछ कर गया तो ये करेंगे, मंडावा मांगे ये करेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारी मांगों पे सहमति नहीं जड़ती है, यदि हम संतुष्ट नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं होती, तो हम दोबारा मंडावा भी आएंगे। जो धमकी दे रहे थे ना उसको मेरे खुली चेतावनी, आप गोली निकलवा दीजिए मेरे, फिर भी आऊंगा मैं, फिर भी आऊंगा, खुली चेतावनी, कुछ भी करा दीजिए, फिर भी आऊंगा। धमकी देने से उपेन यादव डरने वाला नहीं है, मरवा दीजिए, मरने से कुछ नहीं होगा। एक उपेन यादव मरेगा, कई उपेन यादव राजस्थान में अभी भी जिंदा है, उनको कितनोगे तुम मारोगे, मार दीजिए, तुम्हें खुली छूट है, चेतावनी है। दोस्तों आरपीएससी की भर्तियों के लिए उन्होंने कहा कि हम उनको बुलाएंगे, उसके बाद आपको बुलाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों की जो हुई चर्चा मैंने आपको बताई है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे मांग पत्र में जो बेरोजगार बोर्ड गठन है, बेरोजगार प्रतिनिधि, इस मामले में हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि ये तो राजनीतिक मामला है, पता नहीं कब तक हो। बेरोजगार बोर्ड हालांकि गठन होना चाहिए, उसका अध्यक्ष किसी को बनाओ, एक्स को बनाओ, वाई को, मुझे मत बनाओ, मेरे किसी बेरोजगार साथी को बना दो, कम से कम वो बात तो रख सके। जैसे शिवमो में मैं जाके बात रख रहा हूं, वैसे उस बोर्ड में हर बेरोजगार, हर भर्ती का पीड़ित बेरोजगार अपनी मांग रख सकता है कि हाँ इसमें यह गलती है, मैं इसलिए दुखी हूं, मेरा परिणाम अटक गया, मेरी ये चीज अटक गई, तो वो बोर्ड में रख सके। और बोर्ड में जो हमारा प्रतिनिधि बैठेगा वही समझ पाएगा, जहां अधिकारी बैठे प्रतिनिधि बैठे वो मिलकर उसके मामले को समझे और उसका निस्तारण करें। आज मैं सीएमओ में चला गया, मुझे बुला लिया कि मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, लेकिन हर आम आदमी तो नहीं जा सकता ना, लेकिन इस बोर्ड में हर आम आदमी जाए। हालांकि इस मांग को मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया कि जो लंबित भर्तियां नहीं भर्तियां ये पहले है, ये तो लोग समझने लगे उपेन यादव तो खुद के लिए मांग कर रहा है, बेरोजगार बोर्ड के उपेन यादव को नहीं चाहिए मुझे, मैं कह रहा हूं खुले में, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा मुझे नहीं, किसी भी बेरोजगार प्रतिनिधि को दे दीजिए, कम से कम उसके पास हमारा बेरोजगार अपना दुखड़ा तो रो सकते, अपनी बात तो रख सकते। जिस प्रकार आज मैं सीएमओ गया, लगातार सीएमओ में वार्ता के लिए जा रहा हूं, मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जा रहा हूं, लेकिन आम आदमी कहां जाएगा, मैं तो संगठन का एक प्रतिनिधि करता हूं, मुझे तो बुला लिया, लेकिन आम आदमी कहां जाएगा। बेरोजगार बोर्ड होगा तो कम से कम अपनी बात तो रख सकता है कि इसका परिणाम नहीं आ रहा, इसकी एग्जाम नहीं हो रही, इसकी जॉइनिंग नहीं हो रही, ये फीमेल मेल की गड़बड़ी है, फॉर्म में गड़बड़ी है, मेरिट में गड़बड़ी है, पर्सनल में गड़बड़ी है, अपनी बात तो रख सकता ना, कहां जाएगा बताओ। इसलिए मांग कर रहा हूं, कुछ बेवकूफ लोग आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, उपेन यादव खुद के लिए मांग रहे, उपेन यादव को नहीं चाहिए, उपेन यादव को चाहता ना तो मैं किसी इस सरकार के साथ नहीं करता, मैं इनके साथ रहता और जिंदा का बोलता रहता, किस लिए की मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मंत्री और अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है, आप लोगों के लिए मैंने दुश्मनी ली है, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, समझिए आप लोग। मैं तो पिछली सरकार में 5 साल संघर्ष करता रहा और 8 महीने के बाद कुछ, यदि कई लोग कहते ना कि वो विरोध इसलिए करते हैं दूसरी पार्टी में जाना हो या चुनाव आने वाला, अभी तो 8 महीने हुए दोस्तों, फिर भी अभी तो 4 साल निकालनी है, किसके लिए ये सब किया, आप लोगों के लिए, समझने की कोशिश करो, लोगों की भावनाओं बातों में मत बह जाओ, वो लोग आपको भड़का नहीं, मुझे बोर्ड नहीं चाहिए, किसी बेरोजगार को दे दिए, लेकिन वो बोर्ड होगा तो किसको फायदा होगा, कौन अपनी अपनी पीड़ा भर सकता है ना। आज कहीं भी जाते आरपीएससी में आपको चेयरमैन साहब से मिलने का समय मिलता है, आपको कोई मिलने दिया जाता है, एक भी बेरोजगार से आरपीएससी चेयरमैन नहीं मिलता है, यहां आप अधिकारियों को चक्कर काट, कम से कम अपना बोर्ड होगा तो अपनी बात रख सकते हो, इसलिए मैं मांग कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों मैंने मांग की है बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होना चाहिए, इसपे इन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि मुख्यमंत्री जी बात, मैंने कहा मैं एविडेंस मैं दूंगा आपको किस राज्य का, आप कमेटी का गठन करिए, उसमें आईएएस अधिकारी राजस्थान को होनी चाहिए और मैं खुद एविडेंस दूंगा, इसमें संज्ञान लीजिए, इसमें बजट का कोई बजट आपका सरकार का नहीं लगेगा, करिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बोले जिसमें मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हमें मिला दीजिए। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा जो वेटेज, मैं आज फिर कह रहा हूं
मंत्री जी वेटेज वीट के माध्यम से कराना चाहते हैं, कई लोगों ने फर्जी डिग्रियां ले ली है, बाद में पेन यादव आपका साथ नहीं देगा, बाद में आवाज नहीं उठाएगा। अभी भी जो 15,000 पदों पे केवल 15,000 पदों पे बता रहे, संभावना बता रहे, 15,000 पदों पे नई शिक्षक भर्ती आ रही है, उसमें वेटेज और प्रमाण पत्र जो लग गए वापस आएंगे तो आप लोगों का नंबर नहीं आएगा। फिर बाद में कहोगे उपेन यादव जी साथ दो, मैं नहीं दूंगा, स्पष्ट कह रहा हूं। आज 10 अक्टूबर है, आपके आज का टाइम आप याद रख लेना, 10 बज के और मैं 15 मिनट में बोल रहा हूं, आज कह रहा हूं कि अभी भी आप जो जाग के आवाज उठा ली तो वेटेज भी कम हो जाएगा, जो प्रमाण पत्र की समस्या वो भी हल हो जाएगा। आपको जागना होगा, जब जब हम घोषणा करें जाना मंडावा जाना होगा 12 तारीख को, तो आपको आना होगा। अभी कल वार्ता हो जाती है, हमारे प्रतिनिधि संतुष्ट हो जाते हैं, जाने की आवश्यकता नहीं होगी, मांग मान लेंगे, यदि नहीं मानते तो हम 12 तारीख को फिर जाएंगे। कम से कम अपने भविष्य के लिए जागे, अन्यथा वेटेज जुड़ेगा, 30% लोगों ने फर्जी डिग्रियां ले ली है, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, लगे वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा फिर आपका। इसलिए अभी यह समय है, जाग जाइए, फिर मुझे दोष मत देना, फिर कहोगे ये करिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब आपका साथ दे सकता हूं, अब आपके लिए मेरी जान भी दे सकता हूं, तैयार हूं, जब भी आपको आवाज लगाओ तो आप पूछे जरूर। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का सम्मानीय गान तो राजस्थान की तमाम भर्तियों में होना चाहिए, तमाम भर्तियों में राजस्थान का सम्मानीय गान होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा इंजीनियर के वो छात्र, मैं लगातार इंजीनियर के वो बीटेक और पॉलिटेक्निक के छात्र है, चाहे जेईई भर्ती को चाहे एनईई भर्ती के, पंचायत राज में 93% पद खाली है, तो उनपे वैकेंसी निकाले। हालांकि आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही 10 महीनों में कई भर्तियां निकाली जाएंगी, 75,000 भर्तियों की मॉनिटरिंग की जाएगी, और जो लंबी भर्ती, उन्होंने आज बयान दिया। ये बयान कब दिया? हमारी मीटिंग के बाद, हमारा मंडावा पूछने के बाद, 1 अक्टूबर को हमारा बड़ा प्रोटेस्ट के बाद। हम लगातार प्रयास करें, लगातार संघर्ष करें, और लगातार आपके सामने पोस्ट डाले, वीडियो क्यों डाल रहे, क्योंकि कम से कम उन लोगों को बताने के लिए लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोगों के ऑडियो पे, लोगों के वीडियो पे भ्रमित हो जाते हैं, जबकि सच्ची आप देख लिए, पसीना हम बहा रहे, चिल्ला हम रहे, मंत्रियों के पीछे हम भग रहे, और मंडावा हम जा रहे, जयपुर कूच हम कर रहे हैं। किसी बेरोजगार को यह कह रहे कि ये खर्चा आराम करते थे, अपने जेब से खर्चा करके पूरी आवाज बुलंद करने की कोशिश करें। अपने अंदर इंसान है तो सोचिए, अपनी अपने आत्मा से सोचिए कि इतनी मेहनत आपके लिए कोई कर सकता है क्या, बिना स्वार्थ किसी से कुछ लिए। मुझे बेरोजगार बोर्ड नहीं चाहिए, हमारे किसी बेरोजगार को दे दीजिए, लेकिन फिर आप किसी पे आक्षेप न लगाए। यही है कि आप लोग एक बार सोचिए कि यदि हम सब मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मांगे, जिस प्रकार हम मंडावा पूछे, जिस प्रकार हमारा दबाव बना, उसी प्रकार हम लगातार प्रयास करते रहे, हजारों की संख्या में इकट्ठे होते रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार को हमारी सारी मांगे माननी पड़ेगी। चाहे बाहरी राज्य का कोटा कम करने की बात हो, और चाहे जो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगार बोर्ड जिसे हमारे किसी बेरोजगार को दे दीजिए, वो भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार हमने दबाव बनाया, जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया, अब आरपीएससी चेयरमैन को बुला रहे हैं, मुख्य सचिव इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस वजह से, सोचिए। 1 अक्टूबर से पहले से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, कभी कहां चक्कर काट रहे हैं, कभी सीएम में, कभी सचिवालय, कभी मंडा, किस लगातार प्रयास किया, संघर्ष किया, और प्रयास उपेन यादव नहीं किया, वो तमाम लोग जो संघर्ष में साथ थे, 1 अक्टूबर को थे, 9 अक्टूबर के, उनके सहयोग से कम मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि मुख्य सचिव मॉनिटरिंग करे। लेकिन ये आदेश तभी प्रभावी होंगे, लगातार हम प्रयास दबाव बनाते रहेंगे तो मॉनिटरिंग का परिणाम आएगा। पहले भी मॉनिटरिंग हुई थी, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने क्यों नहीं है? परिणाम आने चाहिए, लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, लोगों का परिणाम आना चाहिए, लोगों की परीक्षा तिथि घोषित होनी चाहिए, और जो लोगों की लंबित भर्तियां होनी चाहिए ना, और जो जिन जिन विभागों में घोषणा की उन भर्तियों की उनकी विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, चाहे इंजीनियर के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे पीएचडी को, डब्ल्यूआरडी को, पंचायत राज के, जो भी जेईई भर्ती को, चाहे एनईई भर्ती को, तमाम लोग जो पहले पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, जो बीटेक कर रखे हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी आनी चाहिए, चाहे आईटीआई किए हुए हैं जो तकनीकी सहायक का इंतजार कर रहे हैं, चाहे बिजली विभाग, विद्युत विभाग जो भी है, परिवहन विभाग, इनमें जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है, उनके लिए भी वैकेंसी आनी चाहिए जो इंतजार कर रहे हैं कई सालों से। इसके अलावा रीट लेवल 2 की एक और सूची जारी होनी चाहिए, रीट लेवल 2 की सूची एक और जारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के अधिकारी से मैं ये कह रहे हैं कि इसमें केवल फैसला शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को लेना है। अब शिक्षा मुख्यमंत्री जी से हम मिलते हैं वो सहमत है, इधर अधिकारी सहमत है, केवल शिक्षा मंत्री जी सहमत नहीं, पता नहीं शिक्षा मंत्री क्यों सहमत नहीं है। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाह रहा हूं, प्लीज आप समझाइए, हम आपके बच्चे हैं, हमें मजबूर नहीं करिए कि हम बड़ा कुछ करें। हालांकि मैं स्पष्ट कह दूं, ये अभ्यर्थियों ने खपत मान लिया, मैंने भी इनके साथ खपत मान लिया है, हम कुछ बड़ा करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये सूची जारी नहीं हो जाए। इसके अलावा जो तमाम मांगे हैं, ये साथी मेरा साथ देते रहेंगे, जिस प्रकार रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी एक ही आवाज में सैकड़ों की संख्या में पूछ जाते, तो मैं भी वादा करता हूं आपके लिए, मैं पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा, पूरा साथ दूंगा, चाहे मेरी मौत के न हो जाए, मैं डरूंगा नहीं। धमकी तो मिल रही है, आज धमकी मिली है, उससे भी नहीं डरता मैं।
पशुधन शाही भर्ती के लिए कहा किसी महीने में आ जाएगा। इनका प्रतिनिधि कमल जी मेरे साथ मौजूद थे, कृषि प्रेक्षक में शक्ति मीणा जी मेरे साथ थे, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एलडीसी 2018 का भी एक अभ्यर्थी मैंने पूछा था, अभ्यर्थी को साथ में क्योंकि 6 लोग ही अंदर जा सकते थे, तो उन्होंने कहा इसी महीने में परिणाम आ जाएगा। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए मैंने कहा है कि इसमें वेटेज वाली मैंने ऑब्जेक्शन किया है, वो कह रहे हैं कि अभी इस पे विचार चल रहा है। दोस्तों आप लोग आवाज उठाओगे तो वेटेज खत्म होगा, प्रमाण पत्र की समस्या खत्म होगी, अन्यथा वही शिक्षा मंत्री जो रीट लेवल 2 के को सूची नहीं निकाला, वही शिक्षा मंत्री वेटेज वापस रखना चाहता है, वही प्रमाण पत्र की समस्या रखना चाहता है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री एक दिन मेरे नहीं करवाया। मैं आया था उन बेरोजगारों के लिए जो दुखी थे, परेशान थे, निवेदन किया था, लेकिन सरकार यानी कि मंत्री और बेरोजगारों में एक को चुनना था, मैंने बेरोजगारों को चुना। पहले आपको चुना था समर्थन देके, अब मुझे बेरोजगारों को चुनना पड़ा। हालांकि आपने वादा किया था कि आप पूरा साथ देंगे, आप ने संगठन की बड़ाई की थी, आपने जेजेकार बोले थे, आपने कहा था कि हम मिल बैठकर समस्या का निदान करेंगे, लेकिन अभी तक वो समस्या का निदान नहीं हो। आप अपने स्टेटमेंट से बिल्कुल बदलते नजर आ रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि मैं संघ का एक नेतृत्व कराऊं, मेरी जगह आके बैठ के देखिए। जब मेरे पास लोग आते हैं, मुझे कई बार रोना आ जाता है। मैं जहां उन महिलाओं को, एनएम बहनों को देखा 2013 में, वो दिल रोता है। हालांकि एक चीज बता दो आपको, मैं आप मुझे कहो दोस्तों, एक चीज बता दूं, मैं तमाम लोगों को देखते ही लगता है कि हाँ यार, मैंने 8 साल खूब कार्य कर लिया। जो लोग घर बैठे बैठे फोन करते, मेरी ये मांग जोड़ लीजिए, मेरी ये मांग रख दीजिए, अरे यार आप आते क्यों नहीं हो, हम सब मिलकर लड़ाई लड़े तो जीत क्यों नहीं सकते। लाखों लोग राजस्थान में है, इसलिए सभी लोगों से कहूंगा कि आप जागे और इस लड़ाई में हमारा साथ दें। दोस्तों इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए कह रहे हैं, मैं आज बता दूं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि वित्त विभाग में फाइल है, लेकिन मुख्यमंत्री स्पेशल सेक्रेटरी आरती डोगरा जी ने कहा कि इस साल तो इसकी भर्ती नहीं होगी, अगले साल इस भर्ती की योजना हमारे पास है। तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आएगी, उसके एग्जाम होगी, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल के लिए। उन्होंने कहा कि इस साल तो मुश्किल है, अगले साल हम इसको बजट में ले सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए। जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वाले कह रहे हैं ना, आपके संबंध में वार्ता हुई थी, अगले साल के लिए बोला है। दोस्तों फर्स्ट ईयर भर्ती 2018 पुस्तकालय अध्यक्ष स्टेनोग्राफर फार्मेसिस्ट, ये 3-4 जो भर्तियां हैं जो ईडब्ल्यूएस एमबीसी आरक्षण के कारण अटकी थी। उन्होंने ये कहा कि पुस्तकालय अध्यक्ष स्टेनोग्राफर फार्मेसिस्ट जो समस्या है, बोले कि जिन डिपार्टमेंट में इनकी अभ्यर्थना पड़ी है, बोले कि आरती डोगरा जी ने कहा कि मैं खुद उन अधिकारी से बात कर रही हूँ, जल्द से जल्द इन विज्ञप्तियों को मैं बोलूं, क्योंकि टीएस दिव्यांग आरक्षण की वजह से वापस उन्होंने अभ्यर्थना संशोधित मांगी है। तो तीनों के बोले कि अभ्यर्थना मैं डिपार्टमेंट से खुद बात करके जल्द से जल्द भिजवाने की कोशिश करूंगी, जिससे इनका विज्ञापन जारी हो सके, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सके, परीक्षा तिथि जारी हो सके। हालांकि इनके एग्जाम मैंने पहले कहा था अगले साल ही होंगे, और उन्होंने कहा कि मैं खुद व्यक्तिगत इनके पीछे पड़कर इनको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगी, ये आरती डोगरा जी ने कहा। इसके अलावा दोस्तों बेरोजगारी भत्ता 3,000 और 3,500 रुपए की आवाज उठाई, कम से कम उन बेरोजगारों को 3,000 या 3,500 रुपए मिलेंगे, कम से कम कमरा किराया, अन्य खर्च सब्जी खर्च में उठा चुका। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी का मामला, मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचा देंगे। सेकंड ग्रेड 2018 की काउंसलिंग का मामला है, मैं एक बार पुनः कह दूं, सेकंड ग्रेड 2018 काउंसलिंग के मामले में आवाज उठाई है, संकट बाग की सेकंड ग्रेड का जो परिणाम होना जारी होना उसके मामले में आवाज उठाई है, 2013 और 2016 जिसकी जो रिसेप्शन परिणाम जारी हुआ है उनके अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के मामले में मैंने आवाज उठाई है। तो उन्होंने, ललित कुमार जी ने यह बोला कि आज अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों की चर्चा हुई है, आप मुझे पूरा चार्ट बना के आरपीसी कर दीजिए, हम सचिव साहब से वार्ता करेंगे, उसके बाद आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाएंगे और उनसे जो भी वार्ता होगी आपको बताएंगे, हम अभी अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों को लेकर आज वार्ता करें। तो दोस्तों मैंने उनको पूरा चार्ट बना के दे दिया कि सेकंड ग्रेड की काउंसलिंग बाकी है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा तिथि जारी होना बाकी है, 2013 वाले जो वित्त विभाग में फाइल पड़ी है सेकंड ग्रेड की जो सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए थे, 2016 सेकंड ग्रेड की जो लिस्ट जारी है उनकी जो रिमार्क, मैंने सबकी शादी बना के देखा। उसके अलावा दूर संचार जो 2016 के एसआई भर्ती है जो टेक्निकल बाकी है, उसकी भी मैंने बात रखी है, जो जो लोगों ने मुझे बताई कई भर्ती को लेकर मैंने वहां उनके सामने बात रखी है। दोस्तों इसके अलावा
टेक्निकल विभाग बिजली विभाग जो परीक्षा केंद्र जो बाहर दे रहे हैं इसके लिए आरती डोगरा जी ने कहा कि मेरी पहले नरेश कुमार गंगवार जी से बात हुई थी, इसमें सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए और जो केंद्र बाहर दे रहे हैं उन्होंने कहा यह मुद्दा सही है, मैं मुख्यमंत्री को ब्रीफ करूंगी और मजबूती से आपकी बात होगी। उन्होंने ये कहा बेरोजगार पे मुकदमे दर्ज वापस लिए, उन्होंने कहा इसकी फाइल गृह पुलिस मुख्यालय में गई हुई है लालकोट की। रीट 2016 के लिए अभी दो दिन पहले मेरे पास अभिषेक यादव और पवन शर्मा जी कई लोग आए, साहुल मल जी आए थे, उनके साथ मैंने वो दिया है ज्ञापन दिया है, तो उसमें वो एक बार विभाग से रिपोर्ट मांग रहे हैं। इसके अलावा 2017 संस्कृत बात की भी मैंने बात रखी है, हालांकि मामला कोर्ट में इनकी बात रखी है। 2018 लेवल वन की बात रखी है साहब, उन्होंने कहा कि लेवल टू की तो आ जाने दो, वो आएगी तब आएगी, पहले लेवल टू की नहीं आ रही तो लेवल फर्स्ट की बाकी है। इसके अलावा एनएम भर्ती 2013 के, हालांकि जो बहिने हैं 2013 के इतने परेशान, वास्तव में जो 6 साल से चक्कर काटती है, मैंने कई लड़कियों की आंखों में आंसू देखे, मुझे बुरा लगा कि 6 साल से लगातार से अपने बच्चों के लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं, कभी मंत्री जी के कभी कहा मंत्री जी प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये किसी की बेटी है किसी की बहन है, प्लीज एक बार पुकार जरूर सुनिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं क्योंकि बहुत परेशान और दुखी है, इनका सहयोग कीजिए। दोस्तों एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, तमाम भर्तियों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, बात आपके लिए कर रहे हैं, पीटीआई भर्ती 2018 के आज जो जितेंद्र चौधरी और गोपाल चौधरी दोनों मेरे साथ थे, सीएम होम थे, उनके सामने बात हुई थी, उन्होंने फोरम भिजवाई बीकानेर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश भी हो जाएंगे क्योंकि पीटीआई के दोनों अभ्यर्थी थे, लगातार वो सहयोग कर रहे हैं, पहले भी उनकी मैंने वार्ता करवाई थी, तो वो व्यक्ति पीटीआई भर्ती के लिए पूरा संघर्ष, उनको मैंने पूरा सपोर्ट किया, आगे भी करता रहूंगा। और आप सबसे यही कहूंगा मैं दोस्तों कि जिस प्रकार जितना सहयोग है मैं कर रहा हूं, हालांकि मुझे पता है कि किस तारीख से पहले हमें जो हम संघर्ष कर रहे हैं उसका परिणाम कहीं ना कहीं दिखता नजर आएगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप सबसे लास्ट में यही निवेदन है कि यदि हमारी वार्ता विफल होती है, यदि मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो हम वापस एक बार पूछ करेंगे, हम अधिकारी मंत्रियों की तानाशाही के खिलाफ परेशान है, मुख्यमंत्री जी को शिकायत के, मुझे विश्वास है यदि मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का निस्तारण निकलेगा। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम जो कमेटी बनाई मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव को कहा था, कम से कम उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जिनकी भर्ती लंबी है, वो कम से कम उन्हें बात रख सके अधिकारियों के साथ बैठ के, उनको पता तो चले कि हमारी भर्ती में क्या चल रहा है, कब तक क्या हो जाएगा, तो हर भर्ती के पीड़ित बेरोजगार को बुलाया जाए, चाहे दिनेश बोर्ड का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे तकनीकी जो विद्युत विभाग के हेल्पर टू का हो, किसी का भी हो, उन लोगों को बुलाया जाए जिससे उनको आत्मसंतुष्टि मिले कि हाँ सरकार हमारी सुन रही है, हमारी भर्ती में इसलिए समय लग रहा है, ये कारण है, उन लोगों को पता तो चले। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मिले, मैं भारीराजी का कोटा बिल्कुल खत्म हो कई चीजों के लिए प्रयास कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी से हमारी कल मुलाकात होगी, नहीं होती तो परसों यानी कि 12 तारीख को वापस कूच कर रहे हैं, आतंक की लड़ाई होगी क्योंकि दोस्तों ये अंतिम समय है, पता नहीं अभी जल्द ही मैं आपको बता दूं, पहले बताया था मैंने बहुत सहयोग कर लिया, जल्द ही एक बेरोजगार संघ को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ अच्छा और भी अच्छा करना चाहता हूं जिससे बेरोजगार बोर्ड बन जाए तो किसी अभ्यर्थी को मिले, लेकिन कम से कम हमारे लिए काम हो, कम से कम जो मॉनिटरिंग हो रही है उसमें बेरोजगारों को शामिल किया जाए, तो कुल मिलाकर बेरोजगारों का अस्तित्व स्थापित हो, बेरोजगारों की वृद्धि सही समय पर हो, कोशिश कर रहा हूं 21 तारीख से पहले कुछ हो, 21 तारीख के बाद पता नहीं नया अध्यक्ष बन जाए क्योंकि मैंने बहुत सेवा कर ली, बहुत कुछ कर लिया, अब मैं चाहता हूं किसी और को मौका दूं, लेकिन यही मैं आप लोगों से, क्योंकि मैंने एक तारीख को छोड़ के लगा था कोई नहीं, आज तक इंतजार कर रहा था, लेकिन लोगों की पीड़ाओं को मैसेज को कॉल को देखते हुए लगातार भाग रहा हूं, फिर भी आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि 12 तारीख को हमारी लड़ाई आरपार की होगी, उससे पहले हम मुख्यमंत्री से मिलें, मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, हमारे सभी प्रतिनिधियों को संतुष्ट करेंगे जिससे उन लोगों की जो आशा है मुख्यमंत्री जी से वो संतुष्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के बेरोजगार आशावित होंगे, उनको लाभ मिलेगा। इसी आशा के साथ आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, सच्चाई को आप जाने, धरातल को फोन काम कर उसको भी जाने, सच्चाई का साथ दे हर बेरोजगार के साथ, हर भर्ती के साथ मैं हूं, पहले भी सहयोग किया था, आगे भी सहयोग करता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कल का जो प्रोग्राम है वो सक्सेस रहे, कई बेरोजगार को रोजगार मिले, न्याय मिले, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो हमने 1 अक्टूबर से पहले से ही, हालांकि 1 अक्टूबर को देरी रखी, 9 को यार किया, हमने जो प्रयास किया जिसका परिणाम यह है, मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए मॉनिटरिंग के लिए, आज उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया, इसके अलावा हमें बुलाया, हमें बीएल जाटाव जी को बुलाया, अग्निश बोर्ड के अधिकारियों को बुला रहे, तो लगातार अब
प्रोसेस बढ़ा है, लगातार सीएमओ एक्टिव हुआ है, भर्तियों के लिए वो मॉनिटरिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमने प्रयास किया, संघर्ष किया, वो रंग लाता नजर आ रहा है। लेकिन मैं इसको सफल नहीं कहूंगा, सफल तब कहूंगा जब राजस्थान के बेरोजगारों के चेहरों पर खुशी होगी, उनको सफलता मिलेगी, तब कहूंगा कि हमारा संघर्ष सफल हो गया। हालांकि मैं एक चीज बता दूं, जो आश्वासन हमें मिल रहे हैं वो लगातार अन्य लोगों को मिलते रहेंगे, लेकिन हमें आश्वासन नहीं, हमारे बेरोजगारों को परिणाम चाहिए, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष के दौरान जान जाए चाहे कुछ भी हो, पीछे नहीं हटेंगे। अब आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भर्तियों के लिए फोन करते हैं कि ये हमारी मांग रख दीजिए, ये कर दीजिए, उनसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी फेसबुक चेक करते दीजिए, ओपिनियन दो। आपको जैसे ही मैं पैसे डालूंगी 12 तारीख को, वहां पूछना आपको पूछना है, हम सब मिलकर जिस प्रकार 9 अक्टूबर को दबाव बना, आपने फेसबुक को देखा कितना भयंकर दबाव बना, इससे चौगुनी संख्या में होंगे, तो कहीं ना कहीं परिणाम आपके सामने सुगद होंगे, आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। इतना ही कह सकता हूं, सब समझदार है, सच्चाई आप जानने की कोशिश करना। धन्यवाद।